आज काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया है और बहुत सारे मेरे पास मैसेज और फ़ोन भी आए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर घर की बहन बेटी किसी के साथ भाग जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए, कौन सा कदम सही होता है जिससे हमारी बेइज्जती ना हो, जिससे हमारी आबरू वापस आ जाए और चीज़ें टिकल हो सके। आज मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भाग जाती है, वो शादी कर लेती है, वो ना स्टेटस देखती है ना जात धर्म देखती है, बस उससे अपनी मोहब्बत सवार होती है और वो भाग जाती है। पहले इस पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम ठीक करने से पहले मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। मेन प्रॉब्लम है शुरू से, जो बाप अपनी बेटियों से बात नहीं करते हैं, वो अपनी बेटियों को दोस्त नहीं समझते हैं और माँ अपने बच्चों से बात नहीं करती हैं। पहली गलती यहाँ होती है। दूसरी गलती ये होती है कि आप अपने किसी भी दोस्त को एक्सरे हो जाता है, दोनों बातें यार को किसी को भी आप घर में बुला लेते हैं और चीज़ों को इजीली होने देते हैं, ये सोच के कि नहीं नहीं हमारी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, हमारा दोस्त या हमारा ये भाई ऐसा नहीं कर सकता। बस यही गलती होती है। मेरे ख्याल से भरोसा सगे बाप भाई इसके अलावा किसी पे भी नहीं करना चाहिए, बहन बेटी के मामले में, पैसे के मामले में और बहन बेटी के दोनों के मामले में, ये एक ही रूल है। अब हो क्या रहा है कि पहले तो हम बात नहीं करते हैं बच्चों से, उनके दिल की समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे रूल रेगुलेशन हम ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत सख्त हैं, तो जो घर की बहन बेटियाँ होती हैं उनको ये लगने लगता है कि शायद ये किसी के भी पल्लू बांध देंगे हम, इसलिए हम खुद कोई एक्शन ले लेते हैं और किसी से शादी कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये नौबत ना आए कि घर की बहन बेटी भागे। आप शुरू से इस बात का ख्याल रखिए। देखिए, हम तो मुसलमान हैं, मुसलमानों में पर्दा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उससे हैंडल होती हैं, 100% नहीं होती हैं, मुसलमानों की भी लड़कियाँ भागती हैं, सबकी भागती हैं, वो कोई जाति धर्म से इन चीज़ों का मतलब नहीं है। पर्दा हिंदुओं में भी होता था, घूंघट होता था, और मुझे याद है कि हमारे गैर मुसलमान जितने भी भाई हैं उनके यहाँ भी बड़े स्ट्रिक्ट नियम होते थे जो आज नहीं है। आज मैं अक्सर देखता हूँ कि किसी को भी आप भेज देते हैं कि भैया है, फला अंकल है। बच्चों का जो बचपन में हैरेसमेंट होता है सबसे ज़्यादा, वो अपने परिवार के कुछ लोगों द्वारा होता है, जहाँ से चीज़ें पनपना शुरू होती हैं और चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। वो चाचा हो सकते हैं किसी रिश्ते के, भतीजा हो सकता है, मामा बुआ ताऊ का लड़का हो सकता है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि क्या करें अगर ऐसा हो जाए तो। पहली चीज़ तो ये कि आप कोशिश करिए लड़के से बात करने की और लड़की से दोनों से बात करने की, बिना उसे धोखा दिए। और प्रॉब्लम समझिए खुद के अंदर कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से है, लड़के की जाति धर्म से प्रॉब्लम है या फिर लड़के के फाइनेंशियल कंडीशन से प्रॉब्लम है। जो चीज़ अगर आप बदल सकते हैं ठीक, तो उसको बदलने की कोशिश करिए। FIR कराना, लड़के को जेल भिजवाना, तो लड़की तो आप बचा सकते हैं अपने कुछ दिन के लिए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उसका ये नहीं है। जब वो लड़का जेल से छूट के आएगा, आपकी लड़की जब भाग जाएगी, आप जब शादी किसी से कर देंगे वो तब भाग जाएगी, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको लगता है कि आपकी इससे इज्जत बच जाती है, इज्जत आपकी उसी वक्त चली जाती है जब गैर मर्द की निगाह आपके घर में पड़ती है, इज्जत आपकी उसी वक्त चली जाती है जो आप अपनी नज़र के सामने होने देते हैं, उसे फ़ोन दे के, उससे बातें करके,
और अपने घर में चीज़ों की इजाज़त दे के उसी टाइम इज्जत चली जाती है घर की। अब जब भाग जाए तो लड़के लड़की से दोनों से बात करिए, कुछ चीज़ें जो बदली जा सकती हैं उनको बदलने की कोशिश करिए। अगर लड़के के पास नौकरी नहीं है, कोशिश करिए कि आप लड़के की नौकरी लगवाएं या उससे कोई वादा लें। लड़का किसी दूसरी जाति का है तो सच तो यह है कि इंसान है। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू लड़का लेके भागा है तो ऊंची नीची जाति, आप सीधी सी बात है उसकी जाति को छुपाइए, जगह को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को आप चेंज कर दीजिए, लड़के लड़की को कहीं हटा दीजिए अगर आपको इज्जत की इतनी परवाह है। अगर शादी आपकी हो जाती है ऐसे जैसे मुस्लिम लड़का या हिंदू लड़की आपस में, इस तरह से होती है जब जहाँ पे आजकल के नफ़रत भरे समाज में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें आप चीज़ें थोड़ी सी कर सकते हैं। दूसरे परिवार के लोगों को ब्लैकमेल करके या उनको समझा के, जैसे लड़का जो लेके भागा है, अगर ये दोनों के धर्म अलग होंगे तो 99% उस लड़के के घर वाले भी एग्री नहीं होंगे, जैसे आप एग्री नहीं हैं, तो आप उसके घर वालों को ढूंढिए, FIR करके उन्हें प्रताड़ित करना, ये तो बात की बात है। पहले आप उसके घर वालों को ढूंढिए और बात करिए कि वो अपने लड़के को बुला दें और चीज़ें संभल सकें। आप उनको वास्ते दीजिए, सारी बात बताइए, प्यार से बात करिए और उसमें धमकी भी दीजिए कि अगर चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो फिर हम FIR कराएंगे, लड़का आपका जेल जाएगा। हालांकि होता कुछ नहीं है, ये सच है कि अगर 18 साल का लड़का लड़की है और वो लड़का लड़की चाहते हैं तो शादी होती है। बाकी जितनी बेवकूफ़ियाँ हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ियाँ हैं, हो कुछ नहीं पाता है, सिर्फ आप हाथ पैर मारते हैं, बहुत खुद्दार बनने की कोशिश करते हैं तो लड़के लड़की की हत्या कर देते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप इतने खुद्दार थे तो आपकी बहन बेटी भाग कैसे गई? आप भी तो कहीं ना कहीं गलत होंगे, आप ही के गुनाहों की कहीं ना कहीं सज़ा मिली होगी आपको। तो मार देना या चीज़ों को हिंसक बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। पोलाइटली चीज़ों को करिए, समझा के बुझा के जो चीज़ें हो सकती हैं। डर का पोर्शन बाद में लेके आइए। लोग अक्सर क्या करते हैं, FIR करा के लड़के को फंसवा देते हैं और लड़के को फंसवाने के बाद उसको जेल भिजवाते हैं, 6 7 8 महीने वो जेल काटता है। जेल काटने के बाद वो फिर आता है, आप अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, उसके बाद भी बात वो लड़की करती रहती है उस लड़के से, मिलती रहती है। उस लड़के के लिए फिर वो प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर वो लड़का प्यार नहीं करता है और सिर्फ शारीरिक आग बुझा रहा होगा या फिर फिज़िकल रिलेशन के लिए रिश्ता उसने रखा होगा तो वो शादी के बाद भी बरकरार रखता है, और उसमें आप सबसे ज़्यादा जलील होते हैं क्योंकि उसमें उस वक्त आपका दामाद भी होता है। जब तो बात सिर्फ आपके घर की होती है, लेकिन जब मामले यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उसमें आपका दामाद भी घर का होता है। वो दामाद भी आपसे नाराज़ होता है, वो भी कहता है कि जब पहले ऐसे ऐसा मामला था तो तुम लोगों ने हमें हमसे क्यों नहीं छुपाया। असली इज्जत आपकी तभी जाती है, जिसको इज्जत कहते हैं, असली इज्जत नीलाम आपकी तभी होती है जब दामाद शिकायत करता है या दामाद को ये चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं। तो कोशिश करिए कि शादी हो जाए। शादी होने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करिए। देखिए, अगर पैर टूट गया है तो पहले की तरह तो पैर नहीं हो सकता, उसमें रॉड डाली जा सकती है, उसमें प्लास्टर करा जा सकता है। भरोसा टूट गया है तो भरोसा भी दोबारा नहीं हो सकता, चांस दिया जा सकता है। तो मेरी पर्सनली सलाह यह है कि आप चांस दीजिए और जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ पे लड़के से बात करिए कि हम इज्जत से चीज़ें करें और बेइज्जती हम ना अपनी चाहते हैं ना तुम्हारी चाहते हैं। भले ही आप लड़की से अपनी बात बात करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन चीज़ों को ख़राब मत करिए क्योंकि इज्जत वापस नहीं आ पाती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी भूल है कि अगर आप अपनी लड़की को मार देते हैं तो इज्जत वापस आ जाती है। आपकी लड़की से का फला से चक्कर था, ये उड़ गई होती है। उसकी हत्या करने के बाद, ऑनर किलिंग के जितने मामले आते हैं उसके बाद, अगर आपको ये लगता है कि आपकी इज्जत बच गई है तो वो आपकी इज्जत नहीं बच गई है। आप एक ऐसे शख्स हो गए हैं कि बिल्ली और कबूतर के बारे में सुना होगा कि जब बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है,
और उस कबूतर को ये लगने लगता है कि अब बिल्ली नहीं है। तो आप ऐसे भाई और बाप फिर बन जाते हैं कि आंखें बंद कर लेते हैं अगर उस पर मुकदमा करके, और आप ये जो अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं हमारी बिना मर्ज़ी के हुआ है और हम बख्शेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, तो अगर बख्शेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं तो यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा कि आपकी बहन बेटी से किसी का चक्कर हो गया है। अक्सर आज मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ कि लोग ये नहीं देखते हैं कि उनकी लड़की बाहर जॉब कर रही है 10,000 रुपये की। बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ, उनकी लड़की बाहर जॉब कर रही है 10,000 रुपये की, वो स्कूटी भी ले रही है, आईफोन भी चला रही है, कपड़े भी अच्छे पहन रही है। कभी पूछा है आपने कहाँ से आया? जब तुम्हारी 10,000 या 5,000 तनख्वाह है तो इतना खर्चा कहाँ से होता है? इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए, इस बात का ख्याल रखिए कि ये हो कहाँ से रहा है, ठीक है। चलिए बाकी बातें आगे बताऊंगा, आप मुझे इसी तरह से मैसेज करते रहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की किसी भी मसले पे। मैं किसी चीज़ का स्पेसिफिक नहीं हूँ और न मेरे पास इन चीज़ों की कोई डिग्री है, मैं अपनी अकल से अपने दिल की बात कहता हूँ, वो लोगों को अच्छी लगती है इसलिए लोग डिमांड करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक, बाय।